हाय गाइस, तो अभी आपने देखा कि मैंने सुबह उठ के क्या खाया है। दाल, चावल और दही, और वो दाल जो थी वो उबली हुई थी, सिर्फ नमक और हल्दी वाली थी वो। और उसके बाद मैंने पिया, उसका नाम मुझे नहीं पता, मैं बुलवाती हूँ। उसका नाम क्या है जल्दी बताओ। शायद तक एल कार्निटाइन था। एल कार्निटाइन, 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 एल कार्निटाइन पिया। और उसके बाद अभी ये मम्मी ने मिठाई के डब्बे में पैक करा है पनीर की, पनीर और रोटी है इसके अंदर, और पनीर भी वो नहीं है, सब्जी वाला नहीं है, सिर्फ उसमें भी हल्दी और नमक और एक चम्मच घी शायद है उसकी, वो रोटी बना के खाई है। जिम जाने से पहले मैंने ये खाया है। अब मैं प्री वर्कआउट पीऊंगी और सीधा जिम चलते हैं, और उसके बाद आके देखते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। खा लो पहले भाई, तुम खा लो भाई पहले। भाई दो रोटी हिस्से में आई थी पूरे दिन की, ये भी इस आदमी ने खा ली, और इसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीवी सुबह से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है और ये भी खा गया। अच्छी लगी तुझे वैसे ये वाली? मैं तो वैसे भूख लग रही है। कैसी लगी पहले ही बताओ। सही है, सच सच बताओ। हाँ, सच में सही है। मम्मी की कसम खाना की अच्छी लगी। मम्मी की कसम अच्छी तो लगी, पर काम चलता है। ठीक है ठीक है, तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं कि मम्मी ने कैसा बनाया है ये। मम्मी तुमने ये अच्छा करा कि ये मेथी की रोटी रखी, कम से कम कुछ तो फ्लेवर आया। मम्मी सच बताऊं, बहुत बढ़िया लगा है। जो मम्मी झूठ मत बोलो, ऐसा लग रहा कच्चा पनीर सा, अजीब सा हल्दी वाला। भाई ये देख ऐसा ही हुआ है बिना प्याज टमाटर के, तो फिर भी मैं तो प्याज गिर के लेकर आई। इसको देखो एंजो को। हाँ, तेरे को भी चाहिए, पतला होना है तुझे भी। शिवानी, हाँ, एक लड़का बता रहा था मेरा को 101 वो हो गया था, कितना 100 किलो वजन, 110 किलो कह रहा था। मैं दोपहर की रोटी छोड़ के बस फ्रूट खाऊ उस दिन तक। यार मम्मी तो अपने आप ही इनको मेरा अब 80 आ गया। ऐसी कोई बात नहीं होती। वो एक टिफिन लेकर आवे, कोई लोग ऐसे बोलते हैं रात की रोटी छोड़ दो तो वेट कम हो जाता है, कोई बोलते हैं दोपहर की छोड़ दो तो वेट कम हो जाता है। तो रोटी लेनी बंद कर दी उसने, बस एक टिफिन लेकर आवे, उसमें 4-5 तरह के फ्रूट रख कर लेकर आवे बस। अच्छा, और वो कल भी उसने मेरे साथ नहीं खाया। ओके, क्या क्या लोग खाते है? पूरी, ये क्या है? छोले दिखाओ, पनीर, और ये हल्दी और नमक का पनीर। बताओ क्या जिंदगी है, बताओ क्या जिंदगी है। पहले दिन मुझे उल्टी लग गई थी, दूसरा दिन अच्छा गया था, तो एक दो दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आज से ही शुरू करते हैं। तो अभी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है और हम लोग जिम से निकल गए हैं, यहाँ से अपनी डाइट लेने आए हैं। और आज मतलब पहला दिन नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि मुझे फिल्म करना चाहिए पूरा, तो मैंने आज से ही अपना फर्स्ट डे मान लिया है। पहले मैंने 2 दिन और करा है, वो चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले दिन मुझे उल्टी लग गई थी और दूसरा दिन तो अच्छा गया था, लेकिन आज से चलो ठीक है, आज से आप लोगों के लिए मैं आज से फर्स्ट डे मानती हूँ और 90 डेज तक इसको करेंगे। और आज हमने करा बैक, बाइसेप और एब्स शायद, क्या मतलब हाँ मतलब मैं उस चीज़ में कंफ्यूज रहती हूँ ना, ये पता नहीं क्या बोलता रहता है, कोर, ये वो, अपर, लोअर, पता नहीं क्या। तो ये करा और अब जाके डाइट लेंगे अपनी,
और उसके बाद फिर शाम को मैं दिखाती हूँ कि रात को सोने से पहले क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो अभी हम खाएंगे ये, इसके अंदर शायद पनीर और सैलेड्स है ना, हाँ इसके अंदर पनीर ज़्यादा है और थोड़ी सी सैलेड्स है और ये ब्रेड एक्सरसाइज बतानी है मतलब समझानी है या फिर सिर्फ ये बताना है कि क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी करी है। तो अभी पोस्ट वर्कआउट मील ले लिया है, पोस्ट वर्कआउट मील को हटाओ साइड में, जो अपनी पहली एक्सरसाइज थी, पहले स्ट्रेचिंग थी जो कि लैट्स शोल्डर और लोअर बैक की थी, उसके बाद जो हमने सबसे पहली एक्सरसाइज करी वो थी लैट पुल डाउन, उसके 5 सेट, एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल। ये सिंपल सी चीज थी आज के वर्कआउट की, तो 5 सेट हॉरिजॉन्टल पुल और 5 वर्टिकल पुल, ये दोनों करने के बाद एक एक्सरसाइज एज अ फेलियर लैट्स के लिए केबल से पुल ओवर, ये करने के बाद थोड़े बाइसेप करें। सॉरी जिसमें से वो मशीन निकल गई थी, अटक गई थी, वो हाँ, वाली हाँ, जो करी थी। हाँ, चलो। तो फिर हमने करे बाइसेप, बाइसेप की सिर्फ 2 एक्सरसाइज करी थी जो कि एक थी कर्ल और एक थी हैमर, सिर्फ ये 2, एक हैमर जो कि एज अ फिनिशर सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है और कर्ल जो कि ओवरऑल तुम्हारे बाइसेप के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद कोर और अपने 20 मिनट की कोर का मतलब बता, जैसे मेरे जैसे लोग हैं उनको कोर का मतलब ही नहीं पता कि कोर क्या वैसे क्या तो कोर और एब्स एक अलग अलग चीज है जो हम प्लैंक करते हैं और डेडलिफ्ट में ब्रेसिंग करते हैं उससे हमारी कोर इम्प्रूव होती है और जो हम मसल ट्रेनिंग करते हैं एब्स की जैसे कि क्रंचेज रशियन ट्विस्ट लेग रेज वो एब्स की मसल ट्रेन होती है मसल फटीक होती है। हाँ। तो कोर हमारी आगे से पीछे तक मतलब कि ऐसे पूरी कमर में डेडलिफ्ट करी, उसके लिए हमने डेडलिफ्ट करी थी और उसके लिए हम अब एक दिन करते हैं प्लैंक और लटक के नी रेज या फिर अपना डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, इन दोनों में ज्यादातर बहुत अच्छे से ट्रेन होती है और हिप थ्रस्ट में भी सबसे अच्छे से होती है। और उसके बाद कार्डियो करा, उसके बाद क्रॉस ट्रेनर 10 मिनट और इनक्लाइम वॉक जो स्टेप इनक्लाइम और 4:30 पे स्पीड उसके बाद ये खाए 3 अंडे सिर्फ एग वाइट और येलो वाला, ये दोनों खाते हैं, ये दोनों तो प्रोटीन शेक पीने के बाद आधे घंटे बाद हमने आज कॉफ़ी बनाई थी तो वो मैंने पी ली विदाउट शुगर ऐसे ही, पर वो बहुत ही बेकार लगी, आज के बाद नहीं पीऊँगी मैं उसको भी। मैंने सोचा था कि चाय का अल्टरनेटिव हो जाएगा तो वो पी के देख लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही बकवास लगी, इससे अच्छा तो ब्लैक कॉफ़ी पी लो, तो वो नहीं पियेंगे। और उसके बाद मैंने पिया है दूध, उसमें मखाने और अंजीर और हनी। ये कन्हैया मखाने अंजीर, हाँ तो उसमें दूध में मखाने अंजीर को उबाल के मतलब बॉईल करके, मतलब दूध के अंदर वो सारी चीज़ें डाल के बॉईल करके वो पिया और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के और 2 गोली मल्टीविटामिन और 2 गोली फिश वाली, ये मैंने आज सप्लीमेंट्स लिए और इसी के साथ अभी सो जाते हैं और ये वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। ये था पूरा दिन का जो जो भी खाया मैंने, सारी की सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखा दी है उसके अलावा मैंने सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं खाया, मतलब एक चम्मच कुछ भी नहीं खाया। तो अगर उसके अलावा इस वीडियो में जो भी देखा है उसके अलावा अगर कुछ भी है तो वो सिर्फ पानी है, पानी पिया होगा और बाकी यही चीज़ें थी। अब हम 8 घंटे आराम से सोएंगे, 8 नहीं 10 घंटे आराम से सोएंगे और सुबह उठते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।